वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के इस प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर कोई फेस करता है इस प्रॉब्लम को। जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे ऊपर हमें ये एक्सेल ओपन कर रखा है और यहाँ पे हमें सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। तो मतलब ये आप सबको भी देखने को मिलता होगा, इस तरह का प्रॉब्लम जो है एमएस ऑफिस में आपको भी देखने को मिलता होगा। तो इस इशू को कैसे फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये इशू अगर आपके एमएस ऑफिस में आ रहा है, आप एमएस ऑफिस का कोई सा भी प्रोग्राम ओपन करेंगे जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल में यहाँ पे शो कर रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। तो ऐसा आप एमएस ऑफिस का कोई सा भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे कर लेते हैं बता दो फ्रेंड्स, इस सेकेंड वाले प्रोग्राम फाइल पर हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हम जाएंगे कॉमन फाइल्स पे, ठीक है, और फिर उसके बाद जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड पे, फिर उसके बाद हमें चूज़ करना है ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सबसे लास्ट वाला जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है OSPPERM, ये कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन पे आपने राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, फिर एक पॉपअप ऑन होगा तो उससे यस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह इस पर दो तीन बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसको यस कर देंगे, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर दो तीन बार कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार और कर लेता हूँ राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया इसको, अब मैं इसे कर दूँगा कट। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस मैंने अभी ये प्रोग्राम फाइल से भी सिक्स पे अप्लाई किया है, आप इसको प्रोग्राम फाइल से भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, तो भी सबका सेम ही रहेगा, मे बी आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी सॉल्व करने के लिए सेम और उसका भी नाम सेम ही रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोनों फाइलों में जाके सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे वापस बैक और हमारी ये जो फाइल्स हैं हम इसे क्लोज कर देंगे दोनों फाइलों को एक्सेल और वर्ड की, और फिर से हम अपने प्रोग्राम फाइल को ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया एक्सेल, तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको जो पहले आ रहा था प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर दो एमएस ऑफिस में तो आपको वो इशू देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी एक्सेल ओपन किया है, अब हम ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड, चलिए एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे विंडो आर कर लिया, पिन कोड टाइप कर लिया, उसके बाद एंटर कर दिया, तो गाइस देखिए यहाँ पर वो प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है, हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है। तो गाइस ऐसे अगर आपके सिस्टम में भी कोई